तो इनको हटाने के जो ऑर्डर थे, इन्होंने कहा है कि आफ्टर ऑफिस जो है आवर्स, इनके पास नोटिस आया है, आफ्टर ऑफिस आवर्स जो है ज्वाइनिंग हुई हुई है, और जो ज्वाइनिंग हुई है वो भी आपके कोई रिलेशन में लगती है, तो हाँ उनका ये आरोप वो हाँ है। नहीं, ये आरोप नहीं, पहले पूरा केस सुनो बेटा, मत आरोप पे नहीं जाओ। आप मेरी डॉटर इन लॉ जो है, मैं यही कहूंगी, ये डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि उसका भी राइट है, वो भी इंटरव्यू दे सकती है, वो भी क्वालिफाइड है। अगर किसी का रिलेशन में है तो कोई उसका गुनाह नहीं। ये आरोप जो लगा रहे हैं, ये आरोप निराधार है, ये भी बिल्कुल निराधार है, सारे टोटली निराधार है। मेरे पास सारे फैक्ट्स है, हायर एजुकेशन में सारे फैक्ट्स हैं, कोर्ट में सारे फैक्ट्स हैं, जवाब सबमिट हो चुके हैं। अब इसका जब हमें उस टाइम पे 2017 में इंटरव्यू हो गए, 2020 में पेटिशनर ने केस किया, उसमें एक मिनट यहाँ एक बात है। ये कह रहे हैं हम कोर्ट प्रोटेक्टिव, मैडम ने कहा सर वो लेटर निकालो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, पहले एक मिनट बात सुनो, एक मिनट, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल उस टाइम ददन मैडम लक्ष्मी बेनीवाल इन्होंने बोला, उन्होंने लिख के दिया हुआ हायर एजुकेशन में दीज आर नॉट कोर्ट प्रोटेक्टेड, वो लेटर रिलीविंग का लेटर। मैं उस टाइम चेयर पे नहीं थी, आई एम नॉट आंसरेबल दैट। 2017 से लक्ष्मी बेनीवाल मैम थी, तो तब से इनको रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? देखो ये मैं तो चेयर पे नहीं थी, मैं कैसे आंसर दे सकती हूँ? अगर हम नॉन एलिजिबल थे तो हमें एलिजिबल वाली सैलरी क्यों दे रही? मैम आपने भी तो यहाँ पे काफी समय हो गया है, तो तभी आपके आज रिटायरमेंट है, लास्ट दिन ही आपने इनको रिलीव किया है। मैंने तो नहीं किया, लेटर है हायर एजुकेशन का। 6 इंटरव्यू में अप्लाई आए थे 2017 में, बिल्कुल इसमें ये मेंशन है कि दो जो भी पिटिशनर है उनको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन हाँ, किया ही जाएगा ये नहीं बोला गया। तो बाकी इंटरव्यू वालों को क्यों नहीं हो गया? ये तो मे बी है मैडम, ये भी कंसीडर किया जाएगा। एक मुद्दा गरमाया है, स्टाफ द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको बिना किसी नोटिस के रिलीव कर दिया गया है और हाईकोर्ट में स्टे का ऑर्डर है, क्या पूरा मामला है? इसका मामला ये है बेटा, 2017 में हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी इन एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चर को हटाया जाए और एलिजिबल को लगाया जाए। उसके तहत गवर्नमेंट कॉलेज ने यहाँ से एड निकाली और उस एड में कंप्यूटर के एक्सटेंशन लेक्चर एलिजिबल मांगे थे, वो एड थ्रू प्रॉपर न्यूज़पेपर्स में निकली। उसके तहत इंटरव्यू हुआ कॉलेज में, इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में 6 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, 6 एलिजिबल कैंडिडेट। उस टाइम 4 इन एलिजिबल कैंडिडेट काम कर रहे थे कॉलेज में, वो 4 इन एलिजिबल कैंडिडेट को रिप्लेस करना था। कॉलेज में बाकी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, जोलॉजी में, सब में यही सेम प्रोसेस फॉलो किया और एलिजिबल कैंडिडेट को लगाया गया, इन एलिजिबल को रिमूव किया गया। कंप्यूटर साइंस में भी सेम प्रोसेस फॉलो की गई, 3 जो हमारे इसमें कॉलेज में जो सीनियर मोस्ट पर्सन थे उनकी कमेटी बनाई गई, उन्होंने सेलेक्ट किया, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को लगाया गया, एक जो हायर एजुकेशन का नॉर्म था एज पर दैट लेटर, वो लेटर भी है हमारे पास, उस लेटर के अकॉर्डिंग इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में ये जो कैंडिडेट हैं ये इन एलिजिबल थे, ये अपियर नहीं हुए, क्योंकि दैट इंटरव्यू वाज फॉर पर्टिकुलर फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आइदर पीएचडी और नेट क्वालिफिकेशन। ये कब हुआ था और इनकी जो 3 हटाए गए हैं उनकी पोस्ट कब कब हुई थी? इनकी पोस्ट तो यही बताएं, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज नॉट प्रिंसिपल, मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स में काम कर रही थी, और तब ये बाकी डिटेल इनसे हुई। ये चीजें देखो बेटा मेरे उसके तो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर चल रहा है हाँ, वो किसने क्या हाई कोर्ट में तारिका वर्मा एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये कोर्ट केस डाला 2020 में। 2020 में उससे पहले के भी वो है ना, इंटरव्यू हुआ, मेरिट लिस्ट बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन इनको हटाया नहीं गया, ये कंटिन्यू करवाए गए। ये चीज भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम चेयर पे नहीं थी, मैं सिर्फ एज ए टीचर यहाँ काम कर रही थी। तो इनको हटाने के जो ऑर्डर थे, इन्होंने कहा है कि आफ्टर ऑफिस जो है आवर्स, इनके पास नोटिस आया है, आफ्टर ऑफिस आवर्स जो है ज्वाइनिंग हुई हुई है, और जो ज्वाइनिंग हुई है वो भी आपके कोई रिलेशन में लगती है, हाँ, उनका ये आरोप है। हाँ नहीं, ये आरोप नहीं, पहले पूरा केस सुनो बेटा, नॉट आरोप पे नहीं जाओ, अभी आरोप से पहले सुनो सब। फिर मैंने जब इनका ये 2 लड़कियां जो पेटिशनर्स हैं, इन्होंने
सारी आरटीआई ली, सब कुछ लिया, ये मेरिट लिस्ट में स्टैंड कर रही थी। तारिका वर्मा फर्स्ट पोजीशन पे थी। और जो आप मेरी डॉटर इन लॉ जो है, मैं यही कहूंगी, ये डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि उसका भी राइट है, वो भी इंटरव्यू दे सकती है, वो भी क्वालिफाइड है। अगर किसी का रिलेशन में है तो कोई उसका गुनाह नहीं। उसने इंटरव्यू फेस किया, इंटरव्यू दिया, वो क्वालिफाइड थी, दोनों का उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आया, अच्छे कैंडिडेट थे। उस टाइम क्या था, पोस्ट खाली थी 7, 4 इनएलिजिबल थे और 3 कॉलेज में खाली पोस्ट भी थी कंप्यूटर साइंस में। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं कॉलेज में। 7 पोस्ट खाली थी, 6 कैंडिडेट थे और इनको भी सरकार ने अपनी तरफ से खाली मान के तभी इंटरव्यू निकाला था। कौन से सन की बात है ये? 2017 की है। ये लास्ट इंटरव्यू आया था एक्सटेंशन लेक्चरर। आपने कहा था आपका नेट क्वालिफाइड था, आपका नेट कब? हमारा 2017 में हम कोर्ट प्रोटेक्टेड थे, 2016 में हम कोर्ट प्रोटेक्शन आए थे। उस टाइम पे डॉक्टर लक्ष्मी बेनीवाल दलाल प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमारी आफ्टर कोर्ट प्रोटेक्शन हमें स्टे मिल गया था, हमें ज्वाइनिंग कराई थी, ठीक है। उसके बाद 2017 में इंटरव्यू निकाले गए, उसमें हमें ये कहा गया कि आप लोग तो कंटिन्यू हो, कोर्ट प्रोटेक्टेड हो, जब कॉलेज हमें नहीं रिलीव कर रहा तो हम दोबारा उसमें पार्टिसिपेट क्यों करें इंटरव्यू में। हम आए थे देने, किसी ने हमारा इंटरव्यू नहीं लिया, हमें कहा नहीं देना आपको, आप ऑलरेडी रनिंग में हो, आप फ्रेशर ही नहीं हो, आप क्यों दोगे। जब हमें उस टाइम पे 2017 में इंटरव्यू हो गए, 2020 में पेटिशनर ने केस किया, उसमें हमें एक मिनट यहाँ एक बात है। ये कह रहे हैं हम कोर्ट प्रोटेक्टिव, मैडम ने कहा सर वो लेटर निकालो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, पहले एक मिनट बात सुनो, एक मिनट। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल उस टाइम ददन मैडम लक्ष्मी बेनीवाल इन्होंने बोला, उन्होंने लिख के दिया हुआ हायर एजुकेशन में दीज आर नॉट कोर्ट प्रोटेक्टेड, वो लेटर रिलीविंग का लेटर भी नहीं आया था। मैं उस टाइम चेयर पे नहीं थी, आई एम नॉट आंसरेबल दैट पॉइंट। एक्सक्यूज मी, 2016 के बाद देखो लिस्ट ऑफ कितने प्रिंसिपल्स आए हैं, उनमें से किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। तो आप रिलीविंग की बात कर रहे हो? हमें रिलीव ही नहीं किया गया कभी, कोई हमें रिलीविंग लेटर, हमें कल शाम को 6 बजे 30 तारीख को कल 6 बजे हमें रिलीविंग मेल की गई, क्योंकि आज 31st को मैडम की रिटायरमेंट है। अच्छा मैम ये बोल रहे हैं कल रिलीविंग लेटर आया, जब आप कह रहे 2017 से नॉन एलिजिबल थे और 2017 से लक्ष्मी बेनीवाल मैम थी, तो तब से इनको रिलीव क्यों नहीं दिया गया? देखो ये मैं तो चेयर पे नहीं थी, मैं कैसे आंसर दे सकती हूँ? अगर हम नॉन एलिजिबल थे तो हमें एलिजिबल वाली सैलरी क्यों दे रहे हैं? मैम आपने भी तो यहाँ पे काफी समय हो गया है, तो तभी आपकी आज रिटायरमेंट है, लास्ट दिन ही आपने इनको रिलीव किया? मैंने तो नहीं किया लेटर हायर एजुकेशन का। और ये रही अपने जो मैम केस का मुद्दा उठा रहे हैं, उसकी 8 तारीख की हियरिंग की डेट है और अभी तक उसमें कुछ भी नहीं डिसीजन है, आज तक कोई हियरिंग हुई नहीं इसकी, हमेशा पोस्टपोन हो गई। एक लेटर दिखा रहे मैडम, जो उनके लिए रिलीविंग का लेटर आया इनका हायर एजुकेशन से। अच्छा आगे सुनो, अभी ये जो इस केस का जो वो भी है जवाब बेटा, वो भी मेरा, क्योंकि मैं तो 18 ही मेरी डेट है, आई वे ज्वाइंट 18/8/22, वो जो डीएचई में इसका जो जवाब सबमिट हुआ मैडम पूनम भनवाला सबमिट करके गई हुई है, उससे मेरा जवाब से भी कोई लेना देना नहीं। उस जवाब को देख के उसके बेसिस पे अगर गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है, इसमें मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, मैं फैसला नहीं ले सकती। अभी तो पोस्ट आप संभाल रहे हो, अभी मैं संभाल, अभी डेट तो अब मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। तो एक भी बात, अगर आप कह रहे हो कि डीजीएचसी डिसीजन है, आपने काउंसिल की मीटिंग में ये मुद्दा क्यों उठाया? काउंसिल में क्यों उठाया? मेरी वहाँ पर्सनल हियरिंग हुई थी, मैं वहाँ पर्सनल हियरिंग पे गई थी, उन्होंने मुझे कहा था इस मामले को, मैंने कहा कि मैं वहाँ उस टाइम नहीं थी, हियरिंग डीजीएचसी में हुई थी, तो कोई कोर्ट की डेट ही नहीं थी। डीजीएचसी में कोर्ट लगती है क्या बेटा? डीजीएचसी में कोर्ट का ही है ना, जो दूसरी कैंडिडेट है वो भी प्रिंसिपल की डॉटर इन लॉ है, ये है प्रिंसिपल की डॉटर इन लॉ, 18 को मैंने ज्वाइन करा है, 18 को मैंने ज्वाइन किया, एक के बाद से हमें लेटर निकल रहे हैं, शो कॉज नोटिस निकाला वो भी 11 नवंबर को, और उसके पॉइंट आपने बनाए, आपने खुद बोला था मैंने मॉर्निंग में 3:30 बजे तक बैठ के ये पॉइंट बने,
बीडीएससी से लेटर आया, कोई गाइडलाइन नहीं। जो लेटर मैम आप बोल रहे वो लेटर एक बार दिखा दो, जो कल लेटर आया। जो लेटर आया सर, शो कॉज नोटिस का लेटर देख लो, वो भी लेटर है। उसके बाद हम शो कॉज नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट मांगने आए, तो हमें कहा गया कि आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड नहीं है, मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं दूंगी, हमें मेल की गई। उसके बाद जब हमने अपने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे दिया 26 तारीख को, उसके बाद मैडम ने हमें 29 को मेल करके दोबारा बुलाया, ये कह के कि आप शो कॉज नोटिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ले जाओ। हमने कहा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो रिप्लाई करने के लिए, बोले नहीं कोई टाइम नहीं दे रही, मैं तो आपके लिए कर रही। अब जब हम रिप्लाई कर चुके अपने नोटिस का, हमें कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला, तो हम कहां से रिप्लाई करते? जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे उसके बेस पे हमने रिप्लाई किया। उसके बाद चलो 2 महीने हो चुके, अब तक उसका कोई वहां से रिप्लाई नहीं है। कोर्ट इसको शो कॉज नोटिस को चैलेंज किया, वो इनका डिस्पोज हो गया। कोर्ट ने कहा यू हैव टू रिप्लाई दैट शो कॉज, वो भी नोटिस रिप्लाई करा मैडम, रिप्लाई किया नहीं आपने, तो उस चीज को भी देखो किया, चैलेंज किया, वो भी कोर्ट से इनका डिस्पोज हो गया। क्या इसका जवाब टर्मिनेट नहीं, वर्ड ही डिस्पोज यूज कर रही हूँ बेटा, मैं तो डिस्पोज ही कर रही हूँ, वर्ड यूज डिस्पोज हो गया वो। और ये कहा कि भी आप रिप्लाई कर दो इसका, रिप्लाई शो कॉज नोटिस जो डीजीएससी से लेटर आया था उसमें सिर्फ यही मेंशन है कि इनको शो कॉज नोटिस दिया थे, कोई पॉइंट्स नहीं थे, कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, पॉइंट्स मैम ने खुद बनाए और मैम ने खुद बोला कि मैंने सुबह 3:30 बजे तक बनाए हैं। पॉइंट्स भी ठीक है, कोई ऐसा मैंने पर्सनल पॉइंट पूछा वो भी दे दो, शो कॉज नोटिस के पॉइंट्स पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स इसके देखो क्या पॉइंट्स इनके कोई विदाउट क्वालिफिकेशन पूछे गए हैं। 11 पिछले साल आया था 2022 इसमें नोटिस, ये आप बेशक इसकी वो ले जाओ, इसमें क्या है कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी बातें उन्होंने मुझे बताया ये आपने पूछनी है। और अगर इनका कोई ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल कुछ नहीं कर रहे थे, मीन्स आप भी ये सब एक्टिव हो गए आपकी के कार्यकाल में, 6 महीने में 6 महीने 5 महीने प्रिंसिपल कुछ कर रहे थे, लेकिन सिस्टम आपका राइट है, जो मर्जी को मेरे पास जो फैक्ट्स है पर्सनल एजेंडा, आप यहाँ पे आए अपने तवज्जो को लगाने के लिए आए थे और वही आपका ऑब्जेक्टिव था, लाल पावर का मिस यूज किया आपने अपने जो कोई डॉक्यूमेंट अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो वो मैं रेडली एक्सेप्ट करूंगी कि जो मेरा सेल्फ मैंने आपको कोई लेटर दिया, हमें ये कौन सा ऐसे कर रहे हैं, हमने सीएम विंडो पे गई, हम पीएम विंडो पे गए, हमने चीफ सेक्रेटरी सबको ये बात पहुंचाई हुई है, इसमें डायरेक्ट कॉन्स्प्राइज की जा रही है। प्रिंसिपल मैडम जब से चेयर पे आए हैं अपने डॉटर इन लॉ लगाने के लिए हमें हैरास कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कभी आपका वर्कलोड नहीं है, कभी आपका कुछ नहीं है, वर्कलोड इनका एचओडी बनाता, मैं वर्कलोड नहीं बनाती, टाइम टेबल कमेटी अलग होती है, एज पर डीजीएचसी लेटर वर्कलोड तो था ना इनका, किसका इनका तो जो लगे हुए हैं, किसका वर्कलोड था, वर्क लेटर है बेटा पढ़ लो उसमें क्या लिखा हुआ है। आपने जो सीएम विंडो पे एप्लीकेशन डाली थी वो कौन से मंथ पे डाली थी? सीएम विंडो पे हमने एप्लीकेशन डाली थी 29 नवंबर लास्ट ईयर, हाँ जी 2022। मैम जो लेटर आया है इनकी ज्वाइनिंग का और इनको रिमूव करने टर्मिनेट करने का, वो लेटर दिखा दो, वो लेटर दे दो अभी मैं मंगवा देती हूँ, ज्वाइनिंग का भी हाँ ज्वाइनिंग का टर्मिनेशन, हाँ एक बार उनको कामना को दे दो, आप एलिजिबल की ले रहे हैं लेकिन ये केस पुराना डला हुआ बेस्ट, अगर ये एलिजिबल नहीं थे तो कॉलेज दे रहा था, फ्रॉड हो रहा था, आप कराते एक्शन लेना चाहिए हुए है एज पर पॉलिसी, नहीं पहले जब लगाए थे उसके बाद एलिजिबल हुए, इनमें से सभी कॉलेजेस में ऐसे हुआ है। नहीं अब आपने कहा कि एलिजिबल इनको निकाल दिया गया था, केस भी डलवाएंगे एलिजिबल लगे हुए हैं, इनको हटाया जा रहा, उनको नहीं हटाया, अभी एट प्रेजेंट 5 मेंबर्स नॉन एलिजिबल है, क्या नेम है उनके जो नॉन एलिजिबल, वो मैंने कह लो बॉटनी जियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने रूल फॉलो की, बॉटनी जियोलॉजी भी एट प्रेजेंट है, अभी बिल्कुल इंटरव्यू 1 मिनट बेटा, एट दैट टाइम ऑफ इंटरव्यू वहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट थे ही नहीं, जितने एलिजिबल निकाली गई नहीं निकाली गई, 2-3 सब्जेक्ट के लिए सभी सब्जेक्ट की नहीं थी, सभी सब्जेक्ट की सब इसमें फाइल में सारे लगे हमारे भी आए थे सारे एलिजिबल, अगर पूरे नहीं थे तो फिर इन एलिजिबल को भी लिया था, बच्चों की कमी को पढ़ाने की कमी पूरी करने के लिए, वो भी
तो सैलरी एलिजिबल के लिए अब जो इनएलिजिबल है उनको इनएलिजिबल की मिल रही है, जो एलिजिबल है उनको एलिजिबल की मिल रही है। ये 2012-14 से एलिजिबिलिटी पे मिल रही है, ये एलिजिबल 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 ये बात उस टाइम इंटरव्यू की है तो केस उस टाइम का डला हुआ है उसके रेफरेंस में ये डिसीजन आया। ठीक है मैम, केस की है, केस की तो कोई हियरिंग ही नहीं हुई यार। मैंने तो उनको मैंने कोई केस यहाँ से रेफरेंस कर दिया, भी हियरिंग नहीं हुई अभी तक। अगर तो मैम बेटर होता, अगर ये केयरफुल है कि हाँ चलिए ठीक है हम लोग फ्रॉड करें, बट डिसीजन तो होना चाहिए उसका, जज ने जस्टिस ने वहाँ पे डिसीजन क्यों नहीं दिया। देखो डिसीजन आ जाएगा, अगर ये हटेंगे ये हट जाएंगे आप लोगों के आप लग जाओगे। मैंने तो हायर एजुकेशन का ऑर्डर फॉलो किया बेटा और कुछ नहीं किया। ऑर्डर आप ही की कार्यकाल में आता है और किसी प्रिंसिपल के कार्यकाल में नहीं। अच्छा आपको जो एलिजिबिलिटी की सैलरी मिल रही थी कौन से सन से मिल रही थी? 2019 से 2020 से। 2019 में 4 years एंड रफली 2.5 years। ये 2017 से आपका नेट क्वालिफाइड आपने बोला था, 2019 से आपका नेट क्वालिफाइड, तो उनको किस भी आप पे रख रखा था? इनको किस भी आप पे रख रखा था? अगर दीदी अच्छी से आया था कि हम लोग रिलीव नहीं है तो हमें तब क्यों नहीं रिलीव? अगर 17 में इनको रिलीव नहीं, मैं उस प्रिंसिपल का कैसे जवाब दे सकती हूँ? आप भी तो संभाले हुए जब आप 18 तारीख को 8 अगस्त में आपने कभी आपने रिलीव नहीं किया, अभी भी लगे हुए। मैं फिर मैं अपने आप में रिलीव कर ही नहीं सकती बिना हायर अथॉरिटी के ऑर्डर के। अगर मैंने ऐसे करना होता, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि मैंने अगर करना होता तो मैंने जस्ट ज्वाइनिंग के नेक्स्ट डे इनको कर देती। मेरे हाथ में अगर पेन इतना था ये आरोप जो लगा रहे हैं ये आरोप निराधार है, ये भी बिल्कुल निराधार है, सारे टोटली निराधार है। मेरे पास सारे फैक्ट्स है, हायर एजुकेशन में सारे फैक्ट्स है, कोर्ट में सारे फैक्ट्स है, जवाब सबमिट हो चुका है, अब इसका फाइनल सबमिशन हो चुकी है, वो सब कुछ हो चुका है। अच्छा। और ये इसकी हियरिंग है, हियरिंग में अगर ये बच्चे हारेंगे तो घर बैठ जाएंगे, ये जीतेंगे ये लग जाएंगे, उसमें ना मेरा लेना देना ना हायर एजुकेशन डायरेक्टर का लेना देना उसमें। बार बार सुई में वही आकर अटक रही है, वो एक बार लेटर दिखा दो लेटर। ये लेटर किस चीज का? हमारे टर्मिनेशन का ऑर्डर, ये ज्वाइनिंग का ही पूछ लीजिए कौन सी ज्वाइनिंग का लेटर। ज्वाइनिंग यहाँ से होगी, वहाँ से ज्वाइनिंग नहीं होती, ज्वाइनिंग ऑफिस से होते, वो ज्वाइनिंग का लेटर भी मैंने करवा। तो फिर उनका बेस ज्वाइनिंग का, उनका ज्वाइनिंग का बेस इंटरव्यू ऑफ 2017 साल की वैलिडिटी होती है। आप जो 2017 का जो बोल रहे हो ना बेटा, ये मत सुनो, लिसन टू मी, आप इन चीज को कोर्ट में लेके जाओ, आपके लिए खुला मैदान है, बिल्कुल सबका राइट है करने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी, कोई भी जो भी राइट होगा सबको मिलेगा। आप बीजीएचसी जाइए बेटा, प्लीज जाइए आप बीजीएचसी जाइए। आपने तो जब वो टर्मिनेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, वो रीज्वाइनिंग का भी दे सकते हैं। रीज्वाइनिंग का कहा मैम उनका? उनका किन का? जिनका दो मैडम। अरे वो रीज्वाइनिंग का इनका देंगे, उनका इन्होंने उन्होंने मुझे टर्मिनेशन का दिया है। ज्वाइनिंग तो ऑटोमेटिक है, किसी को उसमें लिखा हुआ है कि उनको कंसिडर किया जाए। नीचे देखो पढ़ो ध्यान, लास्ट में क्या दे, पेटिशनर्स मे बी कंसिडर्ड, पढ़ो इसको ध्यान से, नीचे पढ़ो बेटा, द पेटिशनर मे बी कंसीडर्ड एंड द रिस्पोंडेंट शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर सर्विसेज। ये इसके लेटर मे बी लिख लो, हमें कोई बात नहीं, इतना मेरे को लैंग्वेज की नहीं हूँ मैं, जितना मैंने इसको देखा उतना मैं आपको बता रही हूँ। मैडम आपकी पुत्रवधु इसमें इन्वॉल्व है, आप पावर में आए हो, आपने उनको बेटा कितनी बार कह लो मेरी पुत्रवधु है, मैं कब मना तो नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं मना कर रही। आपने किया तो उसी लिए, किसके लिए किया? ज्वाइनिंग मैम एक ही हुई है, तीन को दो की हुई है, बाकी कैंडिडेट्स पिटिशनर्स नहीं है इसमें, दीज आर ऑल ऑफ इंटर वो सही साबित कर रहे हो तो वो आए, फिर वो उनको कब मैं मना कर रही हूँ? आए ये बताइए, आपने बोला है कि पिटिशनर मे बी कंसिडर्ड, तो उसके अलावा जो इंटरव्यू थे वो भी तो कंसिडर्ड होंगे ना, मतलब सिर्फ पिटिशनर को कंसिडर्ड की कोई नहीं जीतता ही नहीं है लेटर में, इस लेटर के बिहाफ पर, इस लेटर के बिहाफ पिटिशनर। आपने बोला उस लेटर में उस इंटरव्यू में जो प्रेजेंट थे ये दो ही बंदों ने केस किया है। हाँ,
बाकियों ने केस नहीं किया, अगर वो भी चाहेंगे वो भी केस करेंगे, उनका भी राइट है। केस की बात नहीं कर रही, आपने बताया 6 इंटरव्यू में अप्लाई आए थे 2017 में, बिल्कुल इसमें ये मेंशन है कि जो भी पिटीशनर है उनको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन हाँ, किया ही जाएगा ये नहीं बोला गया। तो बाकी इंटरव्यू वालों को क्यों नहीं हो गया? ये तो मे भी है मैडम, ये भी कंसीडर किया जाएगा, मिस यूज ही हुआ है तो। और मैथ में भी इंटरव्यू हुए थे, मैथ में भी इंटरव्यू हुए, तो मैथ में भी, मैथ में भी हमारे ही केस के प्रोटेक्शन वाले लगे हुए हैं 16-18 सेम केस था जिसपे मैथ्स को प्रोटेक्शन कंसीडर कर ली गई, कंप्यूटर साइंस को नहीं की जा रही, क्योंकि दोनों डॉटर इन लॉ है, प्रोटेक्शन मैंने नहीं कंसीडर की। तो आज से 6 साल पहले 17 और अब कितनी हो गई, की प्रोटेक्शन कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं? 6 साल, 6 साल पहले की बात है, उस टाइम का देखो। अब इन्होंने खुद गाउन को प्रोटेक्शन दे दिया, हमें नहीं, मैंने तो नहीं कहा प्रोटेक्शन दे दी, आप अपने आप मत बनाओ ऐसी बात। अभी तो आप कह रहे हैं मैथ्स वालों कंसीडर कर लिया, किसने मैथ्स वालों क्यों? मैंने नहीं कहा, अपनी बात मेरे ऊपर मत थोपो, मैंने एक बार भी नहीं ये कहा कि उनको दे दी, उनका मैंने नाम भी यूज नहीं किया, ऐसा नहीं बेटा। देखिए रनिंग कोर्ट केस है, आप कैसे रिव्यू कर? मैं रनिंग मैं कर ही नहीं रही अपनी तरीके से, जब कोर्ट केस उसकी हियरिंग ही नहीं हुई या कोर्ट में जो मामला है तो आप रिव्यू किस बेस पे कर सकते? आप ये चीज लेटर लेके डीएचए में जाओ ना, सर एक बार हम मैम की थोड़ी शॉर्ट में ले लें, आपकी बात में ले लेंगे, जो आपका फिर आर्गुमेंट ना जो आपने बात।